अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। तो इतने दिनों बाद, जैसे मैं आपको बताया था कि पप्पो की डेथ हो गई है, तो उसके बाद फिर आज मैं आई हूँ व्लॉग स्टार्ट करने। मैंने कल सोचा रमज़ान करीम का महीना है तो इसमें आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग शेयर करूँ। अभी मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के उठी थी तो मैंने सोचा चले मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर देती हूँ। मामा सहरी भी ना रही है और चलते हैं, देखते हैं आप लोग और क्या। हाँ, रमज़ान करीम के महीने में बहुत सी बरकतें होती हैं, आप सबको पता है, बहुत बबरकत महीना है। दुआओं में हम भी याद रखिएगा आप लोग अपनी। और चलें चलते हैं मम्मा की तरफ के मम्मा सहरी बना रही हैं और सहरी में क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक बहुत ज़्यादा, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबको भी रमज़ान मुबारक के तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर मम्मा ने हमारे पराठे और रोटियों की तैयारी स्टार्ट कर दी है। अजान और हाई का जो है वो पराठा खाते हैं, और जो मैं हूँ और मम्मा हैं वो रोटी खाते हैं, और पापा तो आप लोगों को जैसे नहीं पता, आप लोगों को पापा भी नहीं है हमारे साथ आज की सहरी में। इंशाल्लाह कल की सहरी में पापा हमारे साथ होंगे। कल की सहरी में होंगे, परसों की सहरी में होंगे? कल बैठेंगे, परसों होंगे। परसों होंगे पापा हमारे साथ। अब बेलना चाहिए आपको? हाँ वो चाहिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये दो पराठे सही हैं या और बनाओ? एक छोटा सा और बना लें लोगों के लिए, देख लें। देखते हो, चलो पहले ये उठा लो यहाँ से चीज़ें। तो दूसरी साइज़ पे ये आलू मेथी का सालन जो है वो बनने के लिए रखा हुआ है मम्मा ने। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, हमारी फरमाइश पे भाई अम्मी ने एक बहुत मज़े की चीज़ हम लोगों को भेजी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले चलें गेस करें क्या चीज़ है। तो वो ये है, बहुत मज़ेदार सी चीज़ जो हम लोगों को ताई अम्मी के हाथ की इतनी पसंद है, ख़ासतौर पर मेरे भाई को। तो उसने ताई अम्मी से फरमाइश की कि मुझे खाना है, तो फिर वो कल ही बना के फटाफट दे कर गए कि अजान ने फरमाइश की है तो मैं दे कर आऊँ बना के। तो थैंक यू सो मच ताई अम्मी, आपने ये बना कर दिया। और चिकन के हैं? हाँ चिकन के, मम्मा आप भी खा सकती हैं। हाँ, इसीलिए उन्होंने चिकन के बना चिकन के दिए कि मेरी मेरी देवरानी भी खा ले। तो बस ये सब कुछ हो रहा है और इसको अब हम फ्राई करेंगे। ये एक साइड पर ये रोटी बन रही है मेरी और ये सालन। तो बस इंजॉय करें। आई होप आप लोग भी अपनी अपनी सहेलियाँ इस टाइम बना रहे होंगे सारे भी अभी तक। हाँ हाइका ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे रात में, क्या क्या प्लान बना रही थी बैठी हुई, हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी। और हम हंस रहे थे कि हाइका के प्लान ही नहीं ख़त्म होते। हाइका अब हाइका अभी तक सोई हुई है। चलें सालन तैयार हो गया। चलें हमारा सालन रेडी है। और दही निकाल लिया था? नहीं अभी दही निकाल, दही निकालना है। अच्छा ये सेक लें। देसी घी लगाना है इसमें? मैंने नहीं लगाना, आप लगा लें। और रमज़ान में पहली सहरी है जिसमें पापा इस बार हमारे साथ नहीं है। आलू मेथी के साथ रोटी भी अच्छी लगती है। हाँ देख लें, लगा घी लगाओ, अच्छा लगता है। चेंज की है इसलिए मैं भागी थी। तो ये देखें इसमें मज़े की रोटी, फूली फूली रोटी बन रही है। और ये सालन अब इसके ऊपर लगेगा देसी घी। रोटी बहुत मज़ा आ जाएगा। ओहो ये देसी घी लग गया ऊपर उसके। जमा हुआ फ्रिज में रखा हुआ था। इसको रोटी को दोबारा तवे पे रख दें। तवे पे क्यों रख दूँ, ऐसे ही हो जाएगा। चलें जी ये हो गया हमारा, देसी घी लग गया। अब हम अपने दूसरे पराठों की तरफ चलते हैं। और मम्मा सालन का चूल्हा भी बंद कर चुकी है, पराठे वगैरह बन जाएं उसके बाद फिर हम लोग अपना कबाब फ्राई करेंगे। और मैं जाके हाइका को उठाती हूँ।
तो अब यहाँ पे मैं दही फेंट रही हूँ लस्सी के लिए, और इसके अंदर मैं ना नमक डालूँगी ना चीनी, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत नखरे हैं लोगों के, कोई मेथी पीता है कोई नमकीन पीता है, तो मैं ऐसे ही रख दूँगी जिसने जो चीज़ डाली होंगी वो डाल के पिए, बिकॉज़ चीनी भी पीसी हुई है और नमक तो वैसे ही पीसा हुआ होता है। तो ये हो गई, इसके अंदर अब मैं बर्फ़ ऐड करूँगी और पानी डाल दूँगी। लस्सी में और करना क्या होता है, यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन गई हैं, 1, 2, 3, 4 रोटियाँ बन गई हैं, 4 रोटियाँ बन गई हैं, पराठे बन रहे हैं। और ये हमारा पराठा जो है ना, पराठा जो भी है वो तैयार हो रहा है। परोठा कौन लोग बोलते हैं मम्मा, लोग बोलते हैं ना परोठा भी, परोठा भी कहते हैं आप वो वाला पराठा जो नहीं बना रही, लच्छे वाला नहीं, अभी फिलहाल ये सही है। अच्छा चले मम्मा, लच्छे वाला परोठा नहीं बना रही, ये बना रही है। खैर है चले, इसी से मैंने कौन सा खाना है, हाई कोर अजान में खाना है। अब मैं अपने जग में पानी ऐड कर दूंगी लस्सी के लिए, थोड़ा डालना नहीं डालना, काफ़ी है देख लें, हाँ बस छोड़ चलो। मज़ेदार सा पराठा, दूसरा पराठा भी जो है वो बहुत मज़ेदार सा रेडी हो गया, कड़क कड़क सा। और एक हर चीज़ बॉटल भी आ गई मम्मा की, नहीं जो ला के दी आप ही ने, थैंक यू आप ही। इसी के ऊपर फ्राई कर लेती हूँ, हाँ इसमें कर ले चले। चिकन के हैं, कभी मेरी जिठानी ने मैं उनसे कहूँगी तो आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करें, बहुत मज़े के बनाती हैं वो। दस्तरखान लगा लिया और ये मम्मा कबाब भी ले लिए, और ये देखें इतने मज़े के रेड रेड कबाब, अजान के फेवरेट कबाब हैं अजान। चलो ये लस्सी बन रही है ना, नमकीन बनाना बस, हाइका के लिए पराठा भी है, जो चीज़ खानी है आते साथ ही, मेरे लिए पराठा तो नहीं बनाया, उठती है नहीं लो, तो उठती नहीं क्योंकि रात में अपने काम करके सोई है। सो गाइस, हमारी सारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है डन, और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग जो है छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने हमारे साथ सारी इंजॉय की होगी। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी इंशाल्लाह इफ्तारी में, और ये वीडियो मैं अभी के अभी ही डालूंगी। और ये देखें मेरी बहन मेरे लिए लस्सी लेकर आ गई है, पिला के पीना सारे नीचे बैठी हुई है। अच्छा तो अब मैं ये लस्सी पीऊँगी, कैसे ही कहके नहीं, अच्छा मैं ये लस्सी पीऊँगी और यहाँ पे व्लॉग का एंड करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।